ये हमारे पास जो ये सम्मान किया गया है मानवर शैलेंद्र कुमार भगत जी ग्राम मोहनपुर सैफई से आए हैं। ये उनके दोनों नाती हैं। नातियों ने हमें हार के द्वारा सम्मान किया है। नेम सिंह जी के नाती हैं और शैलेंद्र कुमार जी के पुत्र हैं। सदैव ये दोनों बच्चे अपने माता पिता का बाबा का नाम रोशन करें जो 501 मुद्रकां से हमारा स्वागत और सम्मान किया है। सदैव आंगन में कमल के फूल की तरह खिलते रहें और इन बच्चों को प्रभु दीर्घ आयु प्रदान करें। मेरी बहनों माताओं इधर हरीशचंद्र ने जब बाग को घेरवा लिया है तो मुख्य द्वार पर हरीशचंद्र खड़े हैं और हरीशचंद्र ने कहा कि सिपाहियों एक बात का ध्यान रखना, अगर सूकर किसी की तरफ से निकल गया तो समझ लो उसे सजाए मौत मिलेगी। महाराज अपनी तरफ देखते रहे ना, सूकर कितनी औकात नहीं है जो हमारी तरफ से निकल जाए। हम तो मुख्य द्वार पे हैं। अब तो बगिया में घर घर की आवाज होने लगी है, लेकिन वो कपटी सूकर आगे बढ़ा और सूकर ने क्या किया है कि मुख्य द्वार से होकर के चलो और जैसे ही छलांग भरी है सूकर उस बाग से निकलकर के भागा। हरिश्चंद्र ने अपना घोड़ा उस सूकर के पीछे डाल दिया है। लेकिन क्या था सूकर? कपटी था, कभी जमी पर तो कभी आकाश में। हुआ क्या है? अरे पुने पुने तीरा हरिश्चंद्र चलावा, छोड़ो शहरा।
गुना को लेकर के सूकर के पीछे भागे, लेकिन वो कपटी सूकर एक झाड़ी में जाकर के छिप जाता है। लेकिन उसी झाड़ी से विश्वामित्र ब्राह्मण का भेष बना करके सामने आ गया। अब हरिश्चंद्र तो जा रहे थे, माथे से पसीने की बूंदें झलक रही थी। ब्राह्मण को देखा, घोड़ा रोक लिया। हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया, स्वामी जी को प्रणाम है हमारा। जवाब दिया, स्वामी जी आपने इस रास्ते पर सूकर को जाता हुआ देखा। विश्वामित्र ब्राह्मण के भेष में बोले, सूकर सूकर हमने तो कहीं नहीं देखा, लेकिन आप कौन है? आपके माथे की लिलहारी बता रही है कि आप कोई राजा है? बोले महाराज, पहले तो हम तुम्हें ये बता दें कि सूकर ने हमारी बगिया उजाड़ दी है। और परिचय पूछना चाहते हो तो हमें दुनिया जानती है, हम अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र। बोले महाराज, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बोले स्वामी जी बात समझ में ना आई। विश्वामित्र बोले, बात तुम्हारी समझ में आएगी भी नहीं। अरे एक दानी राजा, इसके धर्म की ध्वजा स्वर्ग तक फहरा रही है, और वो राजा एक जीव की हत्या। छी छी महाराज, गलत बात है। बोले स्वामी जी, उसने मेरी बगिया को उजाड़ दिया है। जवाब दो लला, हम तो तेरे पास ही जा रहे थे। हमने सोचा था कि हमारे पास एक ही बिटिया है और हमारी बिटिया शादी के योग्य हो चुकी है, तो हमने सोचा कि चलो लली की शादी कर दें, बिटिया के पीले हाथ कर दें और राजा हरिश्चंद्र से कुछ दान मिल जाएगा। तो हम तो तुम्हारे पास ही जा रहे थे दान लेने। बोले स्वामी जी, वैसे मैं दानी इतना बड़ा नहीं हूं जितना कि आप मेरा नाम सुन के आए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे दरवाजे पर कोई याचक खाली नहीं जाता। जवाब दिया राजन, हम आपसे दान मांगने आए। बोले स्वामी जी, दान जंगल में कहां से देते? इस समय हमारे पास कुछ नहीं है, केवल घोड़े की लगाम है और ये चाबियों का गुच्छा। विश्वामित्र बोले, राजन पहली बात तो ये है कि हम आपसे तिरवाचा भरवाना चाहते हैं। तिरवाचा हम जो मांगेंगे आप वही दोगे, वही दोगे, वही दोगे। जवाब दो स्वामी जी, अगर आप तिरवाचा भरवाना चाहते तो मैं गुरु की शौगन खा के कहता हूं, आप जो मांगोगे वही दे दूंगा। और ऐसा ही नहीं, अरे कहिले बाबा के जाने चरना। पैर पकड़िए स्वामी जी, अरे कहिले बाबा के जाने चरना। और स्वामी मति ऐसी
तो बोले राजन आप कहना क्या चाहते हो? बोले स्वामी जी इस समय तो कुंजी लगाम है। तो विश्वामित्र बोले इसी का ही संकल्प इस समय जंगल में कर दो, कुंजी और लगाम का संकल्प करवा लिया। हरिश्चंद्र ना समझ पाए, बोले स्वामी जी अब ऊपरी दक्षिणा और हो गए। बोले 60 भार सोना दे देना। हरिश्चंद्र बोले स्वामी जी कुंटल खांड मांग ले, हमारे यहाँ ताकत की कमी ना है। बोले हमारे पास एक बिटिया है, कान के लिए झमकिया बन जाए, नाक के नथुनिया, पायन के लिए पायलिया, कमर के लिए करधनिया, सही हमारी लड़की की शादी है जाए। जवाब दो स्वामी जी 60 भार सोना तो आप हमारे महलों में चलो, उसके बाद दे 60 भार सोना मांगा था। भक्तों आज विश्वामित्र को लेकर के हरिश्चंद्र चले हैं और चलते चलते अपने महलों में पहुंचे हैं। और जैसे ही महलों में पहुंचे तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि स्वामी जी आए हैं, इनका स्वागत और सम्मान कीजिए। सुंदर आसन डाल दिया। सम्मान स्वागत की बात आई है तो उसी जगह पर विश्वामित्र को क्रोध आता है। बोले राजन हम सम्मान करवाए बिना आए, जो हमारा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के मतलब से आए वो हमें 60 भार सोना दीजिए।